आदेश आदेश। कलयुग में एक ही प्रत्यक्ष देवता है, कौन? भैरव, काल भैरव। और रांची वाले भैरव बाबा के सेवक होने के नाते मैंने बहुत सारे चमत्कार अपने आंखों के सामने देखे हैं, और ये ऐसे चमत्कार थे कि जो बचने वाला नहीं है वो बच गया, जो छूटने वाला नहीं है वो छूट गया, है ना। तो जो दैवित चमत्कार है उनको देखने की आदत सी हो चुकी है मंदिर में सेवा देते देते। लेकिन इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेरा जो चमत्कार का अपेक्षा था उससे बहुत ज्यादा परे था, और इस बात का जो साक्ष्य है, चमत्कार का साक्ष्य मैं हूं और मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसके साक्ष्य 10 लोग हैं। तो हम बनारस में अघोरा जो हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसका अंतिम शेड्यूल शूट कर रहे थे, और पहला जो रात हमारा बनारस में बीता हम बड़े क्षुब्ध हो गए थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं जो वाकई अघोर को जानते हैं। अब क्या है कि हमने भी अघोर पे अध्ययन कर रखा है, हमने अघोर साधनाएं की हैं, तो एक तो इसमें ये विषय कि हमें भी जानकारी है, जो हम सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब क्या आना चाहिए, और मेरी अपेक्षा से ज्यादा अच्छा जवाब यही जो है, इसी सोच के साथ उस अघोर डॉक्यूमेंट्री का शूटिंग हमने शुरू किया था। और बनारस जाने का कारण यह था कि बनारस ने ही अघोर का नाम पूरे विश्व पटल पे बदनाम किया, साथ में ये भी है कि वहां किन्नाराम आश्रम है और वहां से पूरा जो विश्व है वो राम अघोर आश्रम को जानता है जो कि सात्विक है, लेकिन जो गंदगी अघोर के नाम पे है वो भी वहीं के अघोरियों ने फैलाई है, या तथाकथित अघोरियों ने फैलाई। तो हम पहुंच गए बनारस। बनारस पहुंचने के बाद जो हमारा पहला जो रात था उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था, और ऐसा लग रहा था कि यथार्थ वही है जो कि अंग्रेजों ने दिखाया है, क्योंकि ना सिद्ध साधक थे वहां, ना तांत्रिक थे, तांत्रिक भी नहीं थे, अघोरी तो बहुत दूर की बात है, और जो मिल रहे थे ना वो तैयार एक्टर थे, ठीक है। उनको पता था कि जैसे कैमरा आए बस तांडव मचा देना है, है ना, फालतू बातें करना है, ऐसे ऐसे विषयों को रखना है जिससे लगे कि आप बहुत ज्ञानी हैं। तो हमारे सामने लोग बैठ करके बता रहे थे कि भाई खप्पर का मंत्र नहीं आता है लोगों को, खप्पर का मंत्र सुनो, जो कि नहीं सुनाना चाहिए, उद्घोष जब वो सुना रहे हैं तो गलत सुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में एक व्यथा थी कि लगता है कि बनारस आना मेरा व्यर्थ हो गया, और जब एक कारवा चलता है तो अब क्या है कि हम तो दान ले लेकर के चीजों को करते हैं, ठीक है, जो अघोर तंत्र से हो या जहां से भी जो शिष्य पैसे देते हैं उससे मंदिर की व्यवस्था, और उसी में ये एक वर्टिकल है कि अघोर पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, ये चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये पैसा हमारा व्यर्थ हो गया और हम थोड़े खिंच गए थे। तो हमने तय किया कि इस बार काशी विश्वनाथ का हम अभिषेक नहीं करेंगे, रुद्राभिषेक नहीं करेंगे, बस दर्शन मात्र करके आ जाएंगे, और काल भैरव तो हम जाएंगे ही नहीं। इसमें एक विषय था कि पिछली बार जब हम काल भैरव गए थे तो वहां के पंडित से हमारा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, वाद विवाद हो गया था किसी विषय को लेकर के, एरोगेंट था थोड़ा पंडित। हालांकि उसके बाद वहां पे हमने बैठ के हवन किया तो पता चला कि सैकड़ों साल बाद भैरव मंदिर में, मतलब जो जीवित लोग हैं उन्होंने, उनमें से किसी ने भी काल भैरव में हवन होते नहीं देखा था, और हम वहां से निकल गए थे। तो हम ये भी सोच लिया था कि देखो अब आए हैं तो काम तो खराब हो ही गया है, काशी विश्वनाथ के हम दर्शन कर लेंगे और दर्शन करके चले जाएंगे, कोई अभिषेक इस बार नहीं करना हमें।
तो हमारे साथ क्रू के 7-8 लोग थे, कुछ गुरु भाई थे, शिष्य थे हमारे, मिला जुला के 10-12 लोगों का कुनबा था हमारा। तो हम लोग काशी विश्वनाथ का सुबह दर्शन करने चले गए, क्योंकि सुबह में अघोरी कहाँ मिलता है, ऐसे ही समय बर्बादी था। कुछ एक फुटेज लेना था शहर का, बनारस का, ताकि वो एस्टैब्लिश हो जाए कि हम बनारस में हैं। इसके अलावा कुछ था नहीं हमारे पास, तो हम बाबा के दर्शन करने काशी विश्वनाथ चले गए। और जब काशी विश्वनाथ जा रहे थे, तो हमारे एक शिष्य हैं जो भैरव बाबा को सेवा देते हैं मंदिर में, उन्होंने बोला कि गुरुजी काल भैरव भी चलना है ना। तो हमने उसको जवाब नहीं दिया, मन में खुद को बता दिया कि नहीं नहीं जाना है, ये बोल रहा है तो इसको ही भेजूंगा अपनी तरफ से, मतलब अपना मैसेंजर बना के भैरव जी के पास भेजूंगा, क्योंकि अब आए हैं तो सलामी तो देनी पड़ेगी साहब को। लेकिन क्योंकि मन में रोष है तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हमें तो हमारा तो बाबा से संबंध है भैया, आपके मंदिर में हमारे सामने कोई पंडित कैसे बोल दिया, ये वाला विषय हो गया मन में, ईगो, ठीक है। हमने मन में सोच लिया कि नहीं नहीं जाएंगे नहीं, अभी इस बच्चे ने पूछ दिया तो इसको भेज देंगे हम काल भैरव, हाँ, यहाँ पे दर्शन करने के बाद। और फिर एक शूटिंग का हमने शेड्यूल बना लिया कि भैया यहाँ अभी काशी विश्वनाथ में घंटे भर में दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम शूटिंग के लिए निकल जाएंगे। सुबह के 11 बजे हम काशी विश्वनाथ पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे तो वहां पे पूरा गाना बजाना, मतलब ढोल वोल बज रहा है, ढोल ताशा बज रहा था, बड़ा अच्छा माहौल था। और जो भगवती के मंदिर से थाल आया था महादेव के लिए, तो महादेव का श्रृंगार पूजा चल रहा था। कहने का विषय यह है कि जो 1 घंटे का समय लिया था, वो 1 घंटे से बढ़ के अब 1.5 घंटे 2 घंटे जाने वाला था, क्योंकि श्रृंगार पूजा के बीच में आप दर्शन नहीं कर सकते महादेव के, दर्शन को रोक दिया गया था। इतने में हमारे साथ जो हमारे गुरु भाई गए थे, भैरवनाथ जी जो बहुत प्रकांड एस्ट्रोलॉजर हैं, वो रुद्राभिषेक करने चले गए। तो उन्होंने हमसे पूछा आप करोगे रुद्राभिषेक, हमने बोला हम आज नहीं कर रहे रुद्राभिषेक, हमने मन बना लिया नहीं करेंगे रुद्राभिषेक। उन्होंने बोला ठीक है, जिद नहीं किया, वो भी चले गए, अपना पंडितों को बुलाया वो अपना। अगर आप काशी विश्वनाथ गए हैं, जैसे सामने की जो तस्वीर है उसमें जो सफेद वाला जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, उसमें एक शिवलिंग है, मतलब तीनों के अंदर एक एक शिवलिंग है। तो जो सबसे पहला शिवलिंग है वो काशी विश्वनाथ के गुरु माने जाते हैं, तो उन पे ही रुद्राभिषेक मूलभूत रूप से होता है अगर आप गोद भराई नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद वहां पर सामग्रिया, मतलब आपने रुद्राभिषेक कर लिया, उसके बाद जो बाकी सामग्री है वो महादेव पर अर्पण हो जाता है, जो काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ जी की एक और खासियत है कि काशी विश्वनाथ दक्षिण मूर्ति है। जैसे आप रांची वाले भैरव बाबा मंदिर आएंगे, तो भैरव मंदिर के बाहर में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे दक्षिण मुखी हमने स्थापना किया है महादेव का। दक्षिण मुखी महादेव मतलब कि भैरव है वो, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ भी दक्षिण मुखी है। तो तांत्रिक सोच से, समझ से, अघोर के सोच के समझ से, हम लोगों के लिए काशी विश्वनाथ जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। पशुपतिनाथ के बाद काशी विश्वनाथ है। तो हम इंतजार करने लगे, इंतजार चालू है चालू है चालू है, हाँ वो चल रहा है वहां पे, साउथ इंडियन स्टाइल में ढोल बज रहा है, पीपी बज रहा है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि महादेव के दर्शन हो, हम जाए शूटिंग करने। टाइम पार हो रहा है, करीब 20-25 मिनट जब धूप में खड़े रह गए, तो हमने बोला कि भाई चलो जहाँ ये रुद्राभिषेक कर रहा है वहीं बैठते हैं। जब वहां पर गए तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप भी रुद्राभिषेक कर ही लो, जब आ गए हो तो समय भी है, अभी तो बाबा का श्रृंगार चल रहा है, श्रृंगार पूजन के बाद जो है दर्शन हो पाएगा, तो आप क्या करोगे अभी, आप रुद्राभिषेक ही कर लो, आपकी भी तैयारी करवाते हैं। और तब तक उन्होंने व्यवस्था कर दी, तो हम भी बैठ गए। तो आप जब काशी विश्वनाथ में जब रुद्राभिषेक के लिए वहां पे पर्ची कटेगी, फिर वो जो पंडित हैं वो सामग्री लाएंगे, ठीक है, उसके सब बैठेंगे, तो वो व्यवस्था 15-20 मिनट लगता है रुद्राभिषेक शुरू होने में। तो शिवलिंग के पूरब की तरफ जो हमारे गुरु भाई थे और उनके एक मित्र बैठ गए, और दक्षिण जो हमें हमारा जो पसंदीदा
ईस्ट है, दक्षिण की तरफ हम बैठ गए, मतलब एल शेप में हम दोनों बैठ गए और ऐसे बात बात चलने लगी। और जो पश्चिम की तरफ जो थे वो हमारे शिष्य थे, जो कैमरा क्रू के लोग आए थे वो खड़े थे सारे घेर करके रुद्राभिषेक देखने के लिए, है ना। और मैं मन मन सोच रहा हूँ कि बताओ, रुद्राभिषेक करना नहीं था लेकिन नियति में था तो कर रहे हैं रुद्राभिषेक, ठीक है बाबा की जैसी इच्छा। और सामने हमारे शिष्य खड़े थे, उनको देखा तो ध्यान में आया कि अच्छा काशी विश्वनाथ तो दर्शन हो गया, काल भैरव महाराज के पास जो है इस बच्चे को कारण लेके भेज दूंगा, हाँ खुद नहीं जाना है इस बार, हाँ पिछले बार का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं है, अपने ही रांची वाले मंदिर में सेवा करेंगे। और इतने में क्या हुआ कि ठीक हमारे मतलब जो हमारे गुरु भाई बैठे थे उनके पीछे एक छोटी बच्ची और उनकी माँ बैठी हुई है, ठीक है बाकी सब अपने वार्तालाप में व्यस्त है, मैं ऐसे ही मैं भी देख रहा हूँ कि दोनों बैठे हुए हैं, तो होता है ना कि आँख के कोने से देखा, हाँ दो लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, सामने कुछ बैठे हुए हैं, ऐसे वैसे ऐसा। अच्छा अब वो दोनों बात करना शुरू करते हैं, तो वो जो छोटी बच्ची है वो बताती है उनके साथ जो भी थी कि पता है हम काल भैरव के मंदिर गए थे, काल भैरव नाम सुना तो कान तो खड़े हो जाते हैं ना। उसके बाद उन्होंने बताया कि पता है उनके मंदिर में शराब चढ़ता प्रसाद में। अच्छा मैं थोड़ा मुस्कुराया, हमारे लिए रोज की बात है। और फिर उसने बताया कि और उसके बाद वही शराब है वो प्रसाद मिलता है, हम लोगों को भी मिला था बूंद बूंद करके, तो उनकी जो भी माँ थी या जो भी थी उन्होंने पूछा है बच्चों को भी, बोला सबको एक एक बूंद जो है शराबी प्रसाद मिलता है, वहाँ का मूल प्रसाद वही है। और अगले 4-5 मिनट का जो दोनों का वार्तालाप था उसमें उस बच्ची ने कम से कम 10 से 15 बार शराब और काल भैरव, शराब और काल भैरव जो है विषय उसने बोला। तो हमने मन मन मुस्कुराया कि ओ हो महाराज आप तो हमें मतलब खुद बुला रहे हो, बहुत आनंद आया हमें ये जान करके, मतलब होता है ना जो हम तो सोच रहे थे नहीं जाएंगे, यहाँ दो बच्चे माँ बच्चे बात कर रहे हैं, बच्ची की काल भैरव शराब लेते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आप काल भैरव मंदिर आइए। अब देखिए जब आप भक्त हैं ना और आप रूठे हुए ना, आपको लगता है कि कैसे भी हो जो मेरा अहम है वो टूट जाए और हम जो है अपने जो देवता है उनके पास पहुंच जाए। तो अब मन ही मन प्रफुल्लित हो कि देखो बाबा ने इंडिकेशन दिया, दो लोग आकर के यहाँ बैठ के बात करें, काल भैरव शराब, काल भैरव शराब नहीं तो काशी विश्वनाथ पे शराब की बातें कौन करेगा, काल भैरव की बातें कौन करेगा, वो भी एक माँ बच्ची, बताओ ऐसा थोड़ी होता है, ये तो क्लियर इंडिकेशन है भाई हाँ कि अब तो ये मेरा शिष्य नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा शराब चढ़ाने, इतना ही मैं खुश। भक्त को क्या चाहिए, भगवान का थोड़ा सा नजर चाहिए। इसके बाद रुद्राभिषेक की तैयारी हुई, हमने रुद्राभिषेक किया, रुद्राभिषेक करके हमने अपने गुरु भाई से पूछा, देखा वो दोनों माँ बेटी क्या बात कर रही थी, है कौन सी माँ बेटी, हमने बोला अरे आपके पीछे जो माँ बेटी बैठी थी दोनों बैठ के बातें कर रहे थे कि काल भैरव मंदिर गए थे वहाँ शराब चढ़ा था, वो बच्ची बता रही थी माँ को, बताओ ऐसा ऐसा संयोग बहुत कम होता है, और हमने सोचा था काल भैरव जाएंगे नहीं, तो ये तो बाबा का क्लियर इंडिकेशन, क्या बात करो मेरे पीछे कोई माँ बेटी बैठी ही नहीं थी। ठीक है हमने सोचा इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके साथ जो व्यक्ति बैठे थे हमने बोला देखो इनको कहाँ इनका ध्यान रहता है, मंदिर में बैठ के ये चारों तरफ जो है देखते नहीं है, इनके पीछे माँ बेटी बैठे हुए थे दोनों बात कर रहे थे कि काल भैरव गए थे वहां शराब का भोग लगा था, वो बच्ची नहीं बता रही थी। तो उन्होंने बोला देखो भैया ऐसा है कि इनके पीछे तो एक बाप बेटे बैठे हुए थे, ठीक है वो भी इनके पीछे नहीं बैठे हुए थे, हमारे पीछे बैठे हुए थे, और इनके पीछे कोई भी बच्ची नहीं थी ना उसकी मम्मी थी, मैंने तुमने भी नहीं देखा। अब क्या था कि उसके हमारे जो सामने हमारे जो बाएं लोग बैठे थे वो ठीक उस महिला और बच्ची के सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा तुमने तुम लोगों ने तो देखा था ना वो माँ बेटी बैठी थी दोनों बातें कर रही थी, उन्हीं का तो सुन के मैंने डिसाइड किया काल भैरव जाएंगे। उन्होंने बोला गुरुदेव ऐसा है कि साष्टांग प्रणाम लेकिन वहाँ कोई माँ बेटी नहीं थी, और हमने पंडित से लेकर के 10 लोगों से पूछ लिया कि वहाँ एक माँ बेटी बैठ करके काल भैरव मंदिर के बारे में बात कर रही थी और वो कह रही थी कि शराब वहाँ चढ़ाते हैं,
सबने एक तरफ से बोला कि भाई साहब वो जगह खाली था, उसके पीछे एक बाप बेटे भले बैठे हुए थे लेकिन कोई महिला कोई बच्ची जो है वहां नहीं बैठी हुई थी। सिर्फ मैं ही एक व्यक्ति था जिसने उन दोनों को देखा भी, उनकी बातें भी सुनी और ये भी सुनी कि काल भैरव का मंदिर है और वहां पे शराब चढ़ता है। अब देखो, अब जो वहां मैं बैठा, 1 घंटे का कार्यक्रम, 5 घंटे काशी विश्वनाथ में और उसके बाद सीधे काल भैरव। काल भैरव जब गया तो जो पिछले बार घटना घटी थी उसका ठीक विपरीत, जो माननीय पुजारी थे वो पूरा साथ दे रहे थे, फूल पुष्प माला बाबा को खुद चढ़ाए, कारण वो खुद दिया और मन जो है वो गदगद हो गया कि हाँ आज हम काशी विश्वनाथ आए और काल भैरव काशी के कोतवाल का हमने अपने मन से पूजा किया, खुद से कारण चढ़ाए, खुद से फूल चढ़ाए, खुद से प्रसाद चढ़ाया, बहुत आनंदित हुए। और आज तक ये बहुत दिन बाद था कि ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार मेरे साथ हुआ। मेरे ध्यान में अंतिम जो हमने आपको बताया था कि हमने कुछ पैसे जमा करके भगवती काली का एक सोने का लॉकेट बनाने के लिए दिया था, और भगवती एक बच्ची के स्वरूप में आकर के मुझे उन्होंने बोला था कि भगवती का, माँ का लॉकेट गले में मत पहनो, ये घर में मेरी घटना हुई थी। उसके बाद मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा प्रत्यक्ष मेरे साथ हुआ कि जब मुझे दैविक संदेश मिला सशरीर, और ऐसा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई भूत प्रेत का बात नहीं, हजारों लोगों के बीच में, और जो इन्फॉर्मेशन था, जो विषय था, वो सिर्फ मुझे ही पता चला। तो बहुत आनंदित हुआ, घोर आनंद में मैं उस दिन से आज तक हूं कि बताओ, आज भी ऐसा देवता भक्तों पर ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं, और जो रूठ जाता है उनको देवता स्वयं मनाते भी हैं। गजब का चमत्कार, ऐसा मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि भैरव को जितना हमसे प्रेम है उतना भैरव जी को भी हमसे प्रेम है। तो बहुत आनंद वाला घटना, आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, नंबर है 9431188585। इसमें हम आपको साधना का शुरुआती विधान बताते हैं जिसमें यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, मंत्र की साधना करना, भैरव जी की पूजा करना, भैरव जी को सेवा देना और जितने भी अविष्ट कर्म हो वो हमको सिखाते हैं, ठीक है। जब आप बड़े बड़े साधनों में जाइए, मेरा आने वाला कार्यक्रम और लेख पढ़ने के लिए www.agurtantra से जाइए, डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें रुद्रनाथ.cm फोटो आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप फोन पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, महाभैरव आप सभी पर कृपा बरसाए ऐसी मेरी प्रार्थना, आप सभी को आदेश आदेश आदेश।